अस्सलाम वालेकुम जनाब, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज ईद का फर्स्ट डे है। मुझे पता है जब आपको मेरा ये वीडियो ये व्लॉग मिलेगा तब तो ईद को मेरा हफ्ता पूरा गुजर चुका है। लेकिन खैर, आप मेरे और मेरी फैमिली की तरफ से, मेरे इस कोजी सॉरी अस्तर मिला, हम कोजी फैमिली की तरफ से आप ईद मुबारक ढेर सारी कबूल फरमाएं। हम कोशिश कर रहे थे कि व्लॉग स्टार्ट करें लेकिन हमसे हुआ नहीं, हमसे कोई बात नहीं हुई। तो मैंने कहा चलो वॉइस ओवर है ना, और फिर हमने कहा चलो एक ना हमारी लड़ाई को इग्नोर करें, हम लड़ भी रहे हैं साथ साथ। हमने कहा एक पिक का पोज ले लेते हैं, कोई हमारी पिक तो लेता नहीं, बच्चे हमेशा हिला देते हैं। तो मैंने कैमरा रख के हम दोनों एक स्टिल होकर बैठ रहे थे कि एक अच्छी सी पिक आ जाएगी। तो फिर हमारे बीच में थोड़ी थोड़ी लड़ाई हुई जा रही थी, आप उसको इग्नोर करें। आपको तो मेरे अगर अच्छे लग रहे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाले सब व्लॉग्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और पूरा ईद का दिन हमने सोकर और थोड़ा बहुत लड़ घुल कर गुजारा है। और रात के टाइम हम जा रहे हैं कुछ, जी जनाब, हम पहुंच गए हैं फोक एंड नाइफ पिज़्ज़ा खाने। थोड़े से क्लिप्स आप देख लें, पता नहीं मेरी आवाज़ आपको आ रही है या नहीं। जनाब, पूरा एक घंटा इंतज़ार करने के बाद फाइनली हमें सीट मिल गई है। आगे जाके आपको बड़ी मुश्किल से मैंने नुमान को कहा कि इन सारों की ज़रा ना एक वीडियो बना दें। इतना ज़्यादा रश था, इतना ज़्यादा कि धक्कम पेल, और एक जगह पे सीट लेने के लिए सब लोग ऐसे, इतने ज़्यादा रश था मैं बस बता नहीं सकती। जैसे लग रहा था कि ना मछली मंडी बन गया है। खैर, मैंने नुमान को कहा मैंने आपकी वीडियो बनाई है, थोड़ी सी मेरी भी बना दें। और इस बंदे हजूर ने मेरे पे कैमरा मारा ही नहीं, अपने बच्चों पर मार मूर कर और जनाब मुझे पकड़ा दिया। फिर मैंने सोचा मैं अपनी खुद ही वीडियो बना लेती हूँ, है ना भाई, क्यों नहीं। अच्छा, मेरे पास अभी कैमरे का जो है ट्राईपॉड स्टैंड नहीं है, वो भी मैं कोशिश करूँगी ले लूँ। फिर शोर आ गया है, मैं शोर को म्यूट कर देती हूँ। जायका खराब हो गया ना मुंह का। पहले हमने एक घंटा खड़े होकर सीट के लिए वेट किया, अब उसके बाद हमारा इंतजार शुरू हो चुका था खाने के लिए। पिज्जा भी आने वाला था एक घंटे बाद, तो हमें ये टाइम स्पेंड करना है। और जनाब, यहाँ पर आप फोटोशूट चेक करें, कांटे चुड़ियाँ उठाकर ये लोग किसी महाज पर जा रहे हैं अपने बाबा के साथ। और इसके बाद फिर एक और आखिरी ट्राई की हमने हस्बैंड को कैमरा दिया है, भाई और निभाई ने सतुल्ला मेरा थोड़ा सा वीडियो बना दें। मेरी बनाते साथ ही वो बाकी लोगों का रश की तरफ बनाना शुरू कर दिया। ये रश आपको सही नज़र नहीं आया, इन तीन आंटियों ने सारा रश छुपा दिया है। तो जनाब, सीट लेने के लिए भी आपको एक घंटा वेट करना पड़ना है। इसके बाद अल्लाह अल्लाह करके हमारी चिप्स तो आ ही गई, हमने इंजॉय कर। और यहाँ पर आपको मेरे अबाये के बाजू पर साइड स्टोन्स तो नज़र आ ही रहे होंगे चमकते हुए। वैसे मैं ज़्यादा चमक चमक वाला वो अबाया नहीं पहनती, लेकिन ये काफ़ी अच्छे लग रहे थे, सिर्फ बाजू की साइड पर हैं, ज़्यादा नहीं है, और बाकी अबाया बिल्कुल प्लेन है। और यहाँ पर मैं आपको अपना मेकअप दिखाने की कोशिश करी थी जो कि बिल्कुल ही अंधेरा या मेरा हो गया, और हम काली भूतनी नज़र आ रहे थे। लेकिन मैंने स्मोकी आइज बनाई नहीं है, और लाइनर अप्लाई किया हुआ है, और काजल अप्लाई किया हुआ है, और जो फेस पे है वो मैंने क्राइलोन का एक्वा बेस अप्लाई किया हुआ है, और मेरा मेकअप काफ़ी देर तक ग्लोइंग लुकिंग रहा। ये जिसका था हमें एक सदी से इंतज़ार, वो फाइनली हमारे पास आ गया है, और भूख से हमारा पेट जो है वो साई साई कर रहा था। और जनाब, हमने इतनी जल्दी खा लिया और जादू हो गया, हम वापस आ रहे हैं। और मेरे बेटा ने मशवरा दिया कि मामा आपने ये क्यों बोला कि हमारे पेट साइज में कह रहे हैं, आपने ऐसे कहना था कि हमारे पेट में भूख से चूहे दौड़। ओके जनाब, हम आ गए हैं घर वापस। बहुत ही बुरी में लग रही है यार, यार इसका ना आप मुझे बोला दें, इसका स्टैंड पकड़ने वाला हाथ में, कुछ भी फिजूल ना बोलना, वीडियो बन रही है, आप पता लगे इनको, जरा आप इतने लड़ाके इंसान हैं।
ओके जनाब, हम आ गए हैं घर। ईद का पहला दिन हो गया है, खत्म। कैसे चढ़ाया मैंने, जैसे पता नहीं किया। दिखा मुझे। दादा बुरा बने आप। मुझे उठना पड़ता। Okay.